प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका का कत्ल कर शव खुर्द बुर्द किए जाने का मामला सामने आया है। युवती का शव गांव गदली और चूली खुर्द के बीच सड़क के किनारे एक बेडशीट में बंधा मिला। मृतका के सिर पर चोटों के निशान पाए गए और साथ ही दुपट्टे से गला घोटने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मृतका के गले से बंधा दुपट्टा बरामद किया है। वही सूचना पाकर एसपी दीपक सहारन, डीएसपी गुरदयाल सिंह, एसएचओ कपिल सिहाव व सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को नागरिक अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ धारा 302, 201 व एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृतक लड़की के पिता के बयान के मुताबिक मृतिका पवन नामक एक युवक के साथ 30 अप्रैल को घर से चली गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। मृतिका के पिता का आरोप है कि पवन ने ही उसकी बेटी का कत्ल किया है। एक लड़की का शव पड़ा है गदली गांव के नज़दीक और वो राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक की घटना है ये। तो वहाँ हमारी पुलिस गई और वहाँ जाके लड़की का जो लाश देखी और उसके बारे में पता किया, तो उसका पता लगा कि ये बिरान गांव पड़ता है राजस्थान में, वहाँ की लड़की है। तो इनके पेरेंट्स से पता करके उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके उनके पेरेंट्स को बुलाया, तो लड़की का नाम था रीटा डाटर ऑफ रणजीत और उम्र थी जी इसकी 22 साल। लड़की का फादर रणजीत आया, आके उसने लड़की की बॉडी देखी और उसने अपना स्टेटमेंट हमारे को दर्ज करवाया कि मेरी लड़की जो है 30 अप्रैल को गई थी, एक पवन नाम का लड़का है जो चूड़ी कला का है और 3-4 महीने से उसके संपर्क में थी, उसके साथ 30 तारीख को गई थी शाम को और उसके बाद वापस नहीं आई। उसने हमारी लड़की का उसके दुपट्टे से चुन्नी से गला दबा के उसको मार दिया। हमने इसके ऊपर 302, 201 और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया है और कार्रवाई हमारी जारी है। के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।